हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 3 जनवरी से लेकर 9 जनवरी तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रिडिक्शंस हैं। और सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए लियोज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं नाइट ऑफ कप्स एंड फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। तो देखिए, सबसे पहली बात, दोनों ही कप्स के कार्ड्स हैं। कप्स कहीं इमोशंस, फीलिंग्स, सेंटिमेंट्स की बात करते हैं और कुछ ऐसा ही इन जनरल या फिर स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे चीज़ों को लेकर आप थोड़े से इमोशनल, थोड़े से सेंटिमेंटल हो रहे हैं। और देखिए, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस का कार्ड तो लिटरली किसी विश, किसी डिज़ायर के पूरे होने की भी बात करता है, हैप्पीनेस, जॉय, सेटिस्फेक्शन की भी बात करता है। तो हो सकता है कि अगेन स्पेसिफिक अपने प्रोफेशनल फ्रंट में जो चीज़ आप बहुत टाइम से डिज़ायर कर रहे थे वो कहीं इस वीक आपको मिल रही है, या फिर इस वीक आपको ऐसा लग रहा है कि फाइनली अब वो विश आपकी पूरी हो जाएगी, वो डिज़ायर आपकी रियलिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। और देखिए, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप अपनी विशेज, अपनी डिज़ायर्स पर फोकस कर रहे हैं और उसी से ही रिलेटेड एक ख्वाब देख रहे हैं, उसी से ही रिलेटेड एक विज़न बना रहे हैं। तो देखिए, मैंने हमेशा कहा है लियोज़ की विज़न बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ख्वाब देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ख्वाब उन्हीं के ही पूरे होते हैं जो ख्वाब देखते हैं। लेकिन इस वीक कहीं एक रियलिस्टिक, एक प्रैक्टिकल अप्रोच मिसिंग दिख रही है, या मैं कह सकती हूँ कि आप थोड़े से इमोशनल, थोड़े से यू नो सेंटिमेंटल ज़्यादा होते हुए दिख रहे हैं। और जब भी प्रोफेशनल फ्रंट में हम बहुत सेंटिमेंटल, इमोशनल होते हैं, तभी कहीं यू नो कुछ इश्यूज़, कुछ मसले भी हम अपनी लाइफ में लेकर आते हैं, क्योंकि हम एक प्रोफेशनल एटीट्यूड खो देते हैं और उस टाइम तो हम नहीं देख पाते, आगे जाके हम परेशान होते हैं। तो देखिए, ओवरऑल अगेन इस वीक की एनर्जीज बहुत अच्छी रहती हुई दिख रही हैं। बस एक दो चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, आपने ओवर इमोशनल, सेंटिमेंटल नहीं होना है, इन एनर्जीज़ में एक बैलेंस रखना है और थोड़ा सा प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक तरीके से आपने चीज़ों को डील करना है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 8 of Swords एंड पार्टनरशिप एंड अलायंसेस के कार्ड्स हैं। और देखिए, 8 of Swords का कार्ड किसी लेवल पे एक हेल्पलेसनेस की बात करता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन की बात करता है, थोड़ा सा बंधा हुआ महसूस करने की बात करता है। और देखिए, आपने इस चीज़ को सुन के लिए उस बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, क्योंकि ये आपकी पूरी ज़िंदगी की रीडिंग नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इस वीक की रीडिंग है। और वीकली रीडिंग में वैसे भी कोई बड़े मसले नहीं होते हैं, छोटी मोटी सी चीज़ें हमें ज़्यादा परेशान करती हैं, इक्का दुक्का लोगों की बात अलग है। तो फिर से देखिए, 8 of Swords का कार्ड कहता है कि आप क्लियरली चीज़ों को नहीं देख पा रहे हैं, आपको ऐसे लग सकता है कि आपके हाथ बंधे हुए हैं, आपके आसपास इश्यूज हैं, मसले हैं जिनसे आप घिरे हुए हैं। और कितनी बारी ये हमारे ही माइंड की क्रिएशन होता है। और देखिए, ऐसे में जितना हम उन चीज़ों को क्वेश्चन करते हैं, या मैं कह सकती हूँ कि अपने ही थॉट्स को क्वेश्चन करते हैं, उतना ही हमारे माइंड में अपने गोल, अपने मकसद को लेकर क्लैरिटी आती है। और एट टाइम्स देखिए, रियलिटी में भी ऐसे इश्यूज, ऐसे मसले होते हैं। और जब भी ऐसी एनर्जीज में आप पाएं लियोज, तो आप बिल्कुल प्रॉब्लम को छोड़ के उसके सल्यूशन पे फोकस करें। और जैसे ही आप सल्यूशन पे फोकस करेंगे, आप देखेंगे कि कोई ना कोई हल उसी से ही रिलेटेड आपको मिल रहा है, आपका मसला सॉल्व हो रहा है, आप बेटर फील कर रहे हैं। और जितनी देर आप प्रॉब्लम पे फोकस करके परेशान होते रहेंगे, आप पाएंगे कि आपकी परेशानी, आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ती ही जा रही हैं। और अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो आप एक्सपेरिमेंट करके देख लें। और देखिए, अगेन मैं कहूंगी कि अगर आप सॉल्यूशन पे फोकस करेंगे तो आप चीज़ों को बेटर कर पाएंगे।
और देखिए इस कंफ्यूजन के, इस यू नो हेल्पलेसनेस वाली फीलिंग के लिए सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, लेकिन पार्टनरशिप्स एंड अलायंसेस का कार्ड कहता है कि किसी के साथ किसी चीज़ को लेके, कोई पार्टनरशिप को लेके आप कंफ्यूज हो रहे हैं, या फिर देखिए हो सकता है कि किसी भी चीज़ को लेकर आप परेशान हो रहे हैं और ऐसे में कोई सपोर्ट, कोई हेल्प भी आपके लिए अवेलेबल है, कोई इंसान है जो अगेन मैं कहूँगी कि आपका साथ दे रहा है, आपके अगेन साथ खड़ा हुआ है। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए गॉडेस सरस्वती का कार्ड है और गॉडेस कहती हैं एक्सप्रेस योरसेल्फ थ्रू क्रिएटिव एक्टिविटीज़। तो देखिए लिटरली कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जिस भी चीज़ को लेकर आप परेशान हो रहे हैं और आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं तो क्रिएटिविटी के थ्रू एक्सप्रेस करें। नहीं तो देखिए गॉडेस सरस्वती कहीं ज्ञान को रिप्रेजेंट करती हैं, कहीं नॉलेज को रिप्रेजेंट करती हैं, और देखिए नॉलेज कहीं रोशनी की बात करता है और जब भी रोशनी आती है अंधेरा गायब हो जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी कि जिस भी चीज़ को लेकर आप कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उसी से ही रिलेटेड आप और नॉलेज गेन करें और उसी से ही रिलेटेड चीज़ों को आप जानने की कोशिश करें, और जब आप और नॉलेज गेन करेंगे तो परेशानी अपने आप ही हट जाएगी, एक क्लैरिटी आएगी, एक रोशनी आपको मिलेगी, एक डायरेक्शन आपको मिलेगी। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए वर्गो साइन का कार्ड है और इसके हिसाब से ग्रीन कलर इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकता है एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा वेडनेसडे। तो ये था लियोज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।